ये चीज देखिए। अब अपन एंगल 120, 100 और 60 इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो 120 और 100 टोटल हो जाएगा 220, 220 प्लस 60 टोटल हो जाएगा आपके पास में 280। एंगल 280 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल 360 डिग्री। अब इसके अंदर भी अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एंगल एक्स कैसे रह जाएगा 360, तो दूसरी साइड में रखा है 360 के दूसरी साइड के अंदर अपने को चला जाएगा 280, तो माइनस 280 280 तो 360 में से 280 जब अपन माइनस करेंगे तो बस तो फिर अपने पास में वैल्यू आएगी एंगल एक्स की 80 डिग्री। वापस समझेंगे अपन जो भी सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एक पॉलीगॉन में क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड से बना हुआ है, इसकी भी एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू जो होगी वो अपने पास में 360 होगी, तो वी नाउ दैट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल 360 डिग्री, 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस x इक्वल 360 होना चाहिए, मतलब कि एक्सटर्नल एंगल जो दरकार अपने पास में 120 है, x है, 60 और 100 है, चारों की जो टोटल वैल्यू होती है वो अपने पास में क्या आनी चाहिए 360 आनी चाहिए, तो इस वजह से अपन ने लिख दिया 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस x इक्वल 360 आना चाहिए, तो 120 प्लस 100 प्लस 60 अगर इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो अपने पास में आता है 280। उसके बाद प्लस x दरकार प्लस x लिख दिया आगे और इक्वल 360 दरकार, तो 360 अपन ने इसमें लिख दिया। x की वैल्यू निकालनी एंगल x है जैसे रहेगा और जो 280 है वो 360 के दूसरे साइड में चला जाएगा, इधर 280 प्लस का है दूसरे साइड में जाएगा तो अपने साइन चेंज होता है माइनस में हो जाएगा, तो 360 में से जब 280 माइनस करेंगे तो 360 माइनस 280 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 80 डिग्री। इसी देखिए दो क्वेश्चन और है जो आपको पढ़ने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल तो
3 अपॉन 2 इक्वल नंबर ऑफ साइड हेक्सागन देखा है तो हेक्सागन के अंदर कोई पॉलीगन अगर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ साइड होती है टोटल 6। तो हेक्सागन देखा है तो नंबर ऑफ साइड मतलब n की वैल्यू अपने पास में क्या हो गई 6 हो गई। तो n की वैल्यू देंगे 6 वापस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल 6 का 6 6 माइनस 3 इक्वल 3 ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2 वापस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 6 ब्रैकेट खुलते क्या हो जाएगा बीच में मल्टीप्लाई और 3 का 3 और अपॉन 2 2 से 6 को कट करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो मतलब कि कोई भी अगर हेक्सागन होता है तो उसके अंदर डायगोनल जो होती है वो टोटल कितनी होगी 9 होगी नंबर ऑफ डायगोनल जो होगी वो आपके पास में 9 होगी। तो वापस समझते हैं अपन पेंटागन नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है एन ब्रैकेट एन माइनस 3 अपॉन 2। तो एन नंबर ऑफ साइड जो पेंटागन के अंदर होती है 5 तो एन की जगह पे अपन ने 5 लिख दिया वापस यहाँ पे एन तो यहाँ पे 5 आ जाएगा माइनस 3 का माइनस 3 आ जाएगा वो भी ब्रैकेट के अंदर और अपॉन 2। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉडमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है तो ब्रैकेट के अंदर देखा अपने पास में 5 माइनस 3 तो 5 से 3 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा अपने पास में 2 जो कि ब्रैकेट में रहेगा। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करते ही अपने यहाँ पे बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई तो 5 मल्टी 2 अपॉन 2 2 से 2 कट हो जाएगा तो पीछे बचा 5 तो 5 इसका आंसर हो जाएगा मतलब नंबर ऑफ डायगोनल पेंटागन के अंदर कितनी होगी 5 होगी। इसी तरीके से अगर अपन हेक्सागन के अंदर देखें तो हेक्सागन के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स जो होती है वो 6 होती है तो n की जगह क्या लिख देंगे अपन 6 लिख देंगे तो 6 आ गया n वापस 6 आएगा 3 का 3 आ गया और बीच में माइनस और ब्रैकेट के अंदर ये चीज रहेगी और अपॉन 2 रहेगा 6 में से 3 जाएगा तो पीछे बचेगा 3 और बाहर साइड में 6 रहेगा। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 6 मल्टी 3 और अपॉन 2 2 की टेबल से 6 को जब कट करोगे तो 2 1 2 और 2 3 जा 6 तो 3 मल्टी 3 को 3 3 जा 9 तो 9 इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगी हेक्सागन के अंदर। इसी के कुछ दूसरे क्वेश्चन भी हैं जैसे जो कि आपको होमवर्क के तौर पे करने की थर्ड नंबर हो सकता है जैसे आपके लिए हेक्सागन मतलब नंबर ऑफ साइड टोटल 7 तो या फिर
हाँ जी 10 × 90 अपॉन 7। जब इसको सोल्व करेंगे तो फिर अपने आप जो वैल्यू होगी वो अपने पॉइंटो में आएगी, जो कि रहेगी 128.5। ये इसकी वैल्यू होगी, मतलब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो होगी वो 128.5 रहेगी। अगला क्वेश्चन जैसे देखते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को अपन एक जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है उससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अपने पास में लिखवाया था अपने n माइनस 2 मल्टी 180। इसको इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो देखा है वो है आपके लिए वैल्यू ऑफ ईच n माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर 180 अपॉन n n माइनस 2 नंबर ऑफ साइड 7 है, तो 7 माइनस 2 मल्टी 180 अपॉन 7। तो 7 में से जब 2 जाएगा तो पीछे बचेगा 5 मल्टी 180 अपॉन 7, और जब इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास में वैल्यू 128.5। चाहे तो हम किसी भी फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर अपने पास 128.5 ही आंसर आएगा, जो कि वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू रहेगी। इसी के बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन जो दरकार है वो अपने 6 साइड के लिए दरकार है। तो 6 साइड के लिए टोटल ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है वो अपन देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, तो इसके लिए भी वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे 2n-4 ब्रैकेट के बाहर 90 अपॉन n। तो 2n n की जगह पे आ जाएगा अपने पास में 6, के नंबर ऑफ साइड कितनी दर की है 6 दर की है, तो n की जगह पे आ जाएगा अपने पास में 6-4, ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर और बाहर की साइड रहेगा अपने 90 और n की जगह वापस आ जाएगा अपने 6। तो 2 6 12 -4 ब्रैकेट के बाहर 90 अपॉन 6, 12 में से 4 जाएगा 8 मल्टी 90 अपॉन 6। इसको अगर कट करेंगे तो 2 3 6 और 2 4 8 3 1 3 और 3 3 9 और 0 और 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से 120 डिग्री, जो इसका आंसर होगा, मतलब कि वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो 6 साइड का बना हुआ पॉलीगॉन में होगा तो उसके अंदर ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो 120 के बराबर में आएगी। इसी के जैसे कुछ क्वेश्चन और है जो आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको देखे हैं टेन साइड्स और फोर्थ नंबर रहेगा आपके लिए 12 साइड्स। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, जिससे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था इसका मतलब 7 साइड और 6 साइड के साथ में किया था, उसी तरीके से आपको 10 साइड्स और 12 साइड्स के साथ में करना है। दोनों से चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो दोनों से ही। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको देखना है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर आपके फोर साइड्स का आपको पॉलीगॉन है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर काइट हो गई रोम्बस हो गया, तो ये सारे जो है वो अपने फोर साइड
फोर साइड का कोई पॉलीगोन है उसके एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालनी है, हर एक एक्सट्रीमल की वैल्यू निकालनी है, रेगुलर पॉलीगोन है तो हर एक एक्सट्रीमल की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो इस वजह से अपने इसके लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपके लिए वैल्यू ऑफ ईच वैल्यू ऑफ ईच एक्सट्रीमल इक्वल 360 अपॉन n। तो जैसे ये फॉर्मूला है 360 अपॉन n, तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ साइड रखी है फोर साइड्स, तो 360 डिवाइड बाय n इसके पहले का अपने पास में 4, इसको 4 लिख देंगे यहां पे। तो इसको जब अपन कट करेंगे तो 4 की टेबल में 4 और 360, तो इसको जब कट करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 9 की 10, क्योंकि 4 9 जा 36 और 9 और 0 इक्वल 90, मतलब हर एक एक्सट्रीमल की वैल्यू जो रहेगी वो आपके 90 डिग्री के बराबर में आएगी। अगर फोर साइड्स का कोई पॉलीगोन है, फोर साइड्स का कोई पॉलीगोन है उसके अगर एक्सट्रीमल की हर एक ईच एक्सट्रीमल की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ईच एक्सट्रीमल इक्वल 360 अपॉन एन, तो 360 डिवाइड बाई एन, एन मतलब क्या हो गया यहाँ पे 4, क्योंकि 4 साइड्स दे रखी है तो एन इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। तो 360 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा आपके पास में 90। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और है जिसके अंदर आपको 6 साइड्स दे रखी है, 6 साइड्स दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 अपॉन एन, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड देखिए आपके पास 6, तो यहाँ पे भी लिख देंगे अपन 6, तो 6 से 36 को जब कट करेंगे तो 6 6 जाए 36 होता है और 0 का 0 आ जाएगा वापस, इस वजह से अपने आंसर क्या आ गया अपने पास में 60 डिग्री। इसी तरीके से इसके दो क्वेश्चन और है जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 साइड्स each interior angle of a polygon equal 2n minus 4 multiplied by upon n। ये फॉर्मूला होता है 2n minus 4 multiplied by upon n। each interior angle की वैल्यू देखिए अपने पास में 55 डिग्री, माइनस 4 मल्टी 90 अपॉन एन। हाँ 55 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है 2n माइनस 4 मल्टी 90 अपॉन एन, ये फॉर्मूला दे रखा है जो वापस अपने लिखे 2n माइनस 4 मल्टी 90 अपॉन एन। अब क्या करेंगे
इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ साइड पता चल जाएगा, पता चल जाएगा वो पॉलीगोन कौन सा है, पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, या उसमें साइड कितनी है वो पता चल जाएगी। तो इसलिए अपन को नंबर ऑफ साइड निकालनी, तो सबसे पहले जो एन दे रखा है अपॉन के अंदर, इस अपॉन को दूसरे साइड के अंदर पास करके 55 के पास में, तो 55 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और दूसरे साइड के अंदर अपने पास क्या रखें, 2n-4 मल्टी 90, ये चीज अपने पास में बची इस साइड के अंदर। 55 और n दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 55 है, और दूसरे साइड के अंदर अपने जो 90 है वो 2n के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 90 है वो जो 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 90 के जो 2n के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 92 से क्या होता है, 180 होता है, और n का n आ जाएगा, और माइनस का 90 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से 360 डिग्री। अब इधर देखा है 55 है, इधर देखा है 180 है, इधर देखा है माइनस का 360, तो इस माइनस का 360 को जब इक्वल की साइड के अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में प्लस के अंदर 360, और दूसरे साइड के अंदर अपने पास में 180 एन, और इधर जो 55 एन जो देखा है वो प्लस में देखा है, दूसरे साइड के अंदर जाएगा तो वापस किस में हो जाएगा, तो चेंज माइनस का 55 एन के अंदर। अब 180 एन में से अगर 55 एन को अगर जब माइनस करेंगे तो अपने पास में आएगा 360 इक्वल 180 में से जब 55 को माइनस करेंगे तो फिर अपने पास में आएगा 125 एन अपने पास में आएगा। इधर 360 दे रखा है इक्वल 125 एन दे रखा है, एन की वैल्यू निकालनी है तो इस एन को इधर लेके आ लो, तो जो 360 है वो ऊपर रहेगा और अपॉन में चला जाएगा अपने पास में 125। जब इसको सोल्व करेंगे अपन 360 डिवाइड बाई 125 तो इक्वल आंसर आएगा पास में आपके पास में 2.88। अब नंबर ऑफ साइड एन की वैल्यू जो है आपके पास में 2.88 आई है, तो कभी भी नंबर ऑफ साइड डेसिमल में नहीं आती क्योंकि वो एक होल नंबर में आएगी या फिर नेचुरल नंबर में हो सकती है, एक होल नंबर रहेगा, तो कभी भी एन की वैल्यू या फिर नंबर ऑफ साइड की वैल्यू 2.88 या फिर कोई भी डेसिमल नंबर में नहीं आ सकती। इस वजह से जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन, कि इस 55 डिग्री ईच एंगल की वजह से कि ये कोई पॉलीगॉन बन सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2.88 नंबर ऑफ साइड नहीं हो सकती। दूसरे साइड में क्या रखा है अपने पास में 2n-4 मल्टी 90,
जो एन है वो इधर से इधर चला गया, पीछे क्या बचा 4 - 4 × 90, वो इधर से अपन ने यहाँ पे कॉपी कर दिया, और ये एन जो है वो इधर से इधर जाएगा, मतलब डिवाइड में दे रखा है इधर, तो इक्वल के दूसरा साइड जाएगा, तो साइन चेंज होता है, डिवाइड का जाता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का जाता है डिवाइड के अंदर, तो इस वजह से जो एन है जो इधर डिवाइड में है दूसरे साइड में जाएगा, तो होता है मल्टीप्लाई, तो 55 × 10, तो 55 को जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55 एन इक्वल 180 n - 360। अब ये 180 n - 360 कहाँ से आया, तो 90 जो ब्रैकेट के बाहर दे रखा है, बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है, और ब्रैकेट के बाहर अगर 90 है तो इसका मीन ये है कि जो 90 है वो 2n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 90 है जो 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वजह से जब 90 को 2n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 180 n, और 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा 360। अब क्या करेंगे, 180n और 55n ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, तो इस वजह से इन दोनों को साथ में लेंगे, तो 180n और जो 55n जो है वो प्लस का है, दो साइड में जब 180n के पास में जाएगा मतलब इक्वल को क्रॉस कर रहा है तो साइन चेंज होगा, तो इधर ये प्लस में है तो दूसरे साइड में जाएगा, जब इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, और जब ये 360 जब इधर से इक्वल के दूसरे साइड में आएगा तो इधर माइनस का 360 देखा इधर आएगा तो आपके प्लस में 360 हो जाएगा, तो प्लस में 360 हो गया इधर, और इधर हो गया आपका 180n - 55n। 180n में 55n जब जाएगा तो पीछे बचेगा 125n, इसकी वैल्यू आएगी 360। n की वैल्यू निकालनी है आपको, तो n की वैल्यू जो 125n है, n है जो मल्टीप्लाई में, तो 125 जब दूसरे साइड जब जाएगा तो वो हो जाएगा आपके पास में डिवाइड में, तो 360 अपॉन 125, 360 को जब 125 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 2.88, और 2.88 एक डेसिमल नंबर है, और नंबर ऑफ साइड कभी भी डेसिमल नंबर में नहीं आती, इस वजह से ये क्वेश्चन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा 55 डिग्री ईच डेरिवेटिव के साथ। Find the value of external angle in a pentagon. If any four external angles are 68, 60, 90, and 90 degree. अगर कोई pentagon दे रखा है, pentagon के अंदर सीधी सी बात external angle total 5 होता है, और अपने 5 में से कोई 4 angle की value दे रखी है आपको, 68 है, 60 है, 90 है, और 90 है, तो जो fifth जो angle होगा वो कितने का होगा वो आपको बताना है। तो सीधा सा question है, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल 360 डिग्री। कोई भी अगर पॉलीगॉन होता है तो उसके टोटल एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू जो होती है वो अपने होती है 360 डिग्री। अब अपने वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, 68 + 60 + 90 + 90 + एक एंगल नहीं है अपने पास में फिट वाला जिसकी वैल्यू अपन एक्स ले लेंगे, तो एंगल x इक्वल टोटल वैल्यू होनी चाहिए अपने पास में 360 डिग्री। तो 68 + 60 + 90 + 90 जब इनको प्लस करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू है वो आएगी इक्वल 308 डिग्री, प्लस एंगल x रहेगा इक्वल 360 डिग्री। जब एंगल x जिसकी वैल्यू ऊपर को पता नहीं है उसको अपन हेजी से सेट करके देख सकते हैं और एक बार 360 का 360 इसके अंदर आ जाएगा अगर x की वैल्यू अगर जब निकालेंगे तो एंगल x हेजी से रह जाएगा जो 308 है जो इधर प्लस में जो दूसरे साइड में जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा तो 308 जब एंगल x 360 में से जब 308 को जब माइनस करोगे तो अपने पास में आंसर आएगा 360 में से जब 308 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 52 डिग्री। ये इसका आंसर है, वापस समझ लो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए पेंटागन इफ एनी फोर एक्सटीरियर एंगल
आर 68, 60, 90 एंड 90, मतलब कि कोई भी एक पेंटागन दे रखा है जिसके टोटल अपने 5 एक्सट्रीएंगल होते हैं, 5 में से कोई 4 एंगल आपको दे रखे हैं जो कि है 68 का है, 60 का है, 90 का है और एक और 90 का है, ये 4 एंगल दे रखे हैं, तो फिर तुम्हारा जो एंगल होगा वो आपको निकालना है सर। तो बिना अपडेट वैल्यू ऑफ एक्सट्रीएंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल 360 डिग्री, 68 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस x, ये 5 एंगल हो गए, x जो अपने पास में अननोन एंगल है उसके लिए अपन ने वैल्यू ली है इक्वल 360 डिग्री, x की वैल्यू निकालनी है और इन सबको उस साइड में भेजना है। तो इसको भेजने से पहले अपन क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, तो इन सबको जो प्लस किया तो अपने पास में 308 और प्लस x का प्लस है, सब अपने सामने सेट कर दिया इसको, 360 का 360 है, 308 जब इधर से जब दूसरी साइड जाएगा इधर प्लस में है दूसरी साइड पर जाता है तो होता है माइनस करना चाहिए, तो 360 में से 308 को जब माइनस करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ रही है इसकी कितनी, 32। तो अपना जो फिफ्थ एंगल होगा, फिफ्थ एंगल ऑफ ए पॉलीगन equal to n minus 4 bracket के बाहर 90। अब इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रल की टोटल वैल्यू निकालेंगे किस तरीके से आती है, तो 2n की जगह पहले का नंबर ऑफ साइड, तो क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब 4 साइड्स होती हैं, तो n की जगह पर लिख देंगे मल्टी 4 minus 4 और बाहर आ जाएगा 90। 4 2 जब 8 minus 4 90, 8 में से 4 जाएगा पीछे बचेगा 4 और मल्टी 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 360 डिग्री, मतलब कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए पॉलीगन स्पेशली क्वाड्रेटिक जो होता है तो इसके अंदर इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी आती है, 360 डिग्री आती है। अब क्या करेंगे अपन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एंगल इक्वल 360 डिग्री। अब
थ्री इक्वल एंगल है, तीनों की वैल्यू अपन को एक्स लेनी है क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी, इस वजह से अपन को तीनों की वैल्यू को एक्स ही लेना है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तीनों की वैल्यू सेम है, इस वजह से तीनों को सेम ही अल्फाबेट के से शो करेंगे अपन। एक्स एक्स और एक्स तीनों को सेम रखेंगे और इक्वल प्लस 120 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। मतलब इन चारों एंगल की जो टोटल वैल्यू जो आएगी, इन चारों को जब आपस में ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितने के बराबर आना चाहिए, 360 के बराबर में आनी चाहिए। तो x प्लस x प्लस x टोटल कितना हो गया अपने पास में 3x प्लस 120 इक्वल 360 डिग्री। एंगल 3x इधर से ले जाएगा तो 120 है, 360 के दूसरी साइड में जब जाएगा तो इधर अपने प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तब कितना का हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 360 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा, एंगल 3x की वैल्यू 360 में से 120 जाएगा तो मेरे हिसाब से आएगा इसके अंदर 240 डिग्री। एंगल x की वैल्यू निकालनी इस पे 3x है, 3x में से 1x ले लो और जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में करके उस साइड तक जाएगा तो किस में से जाएगा डिवाइड, तो 240 डिवाइड बाय 3। तो एंगल x की वैल्यू इक्वल 3 × 3 और 3 × 8 = 24 और 0 = 0 तो कितना आ गया अपने पास में 80। तो एंगल x की वैल्यू क्या है 80 डिग्री है। तो ईच इक्वल एंगल इज 80 डिग्री, तो हर एक एंगल की वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी।